मैं सभी पक्षियों का राजा हूं और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम सबकी रक्षा करूं। जब तक मैं यहां हूं, तुम सब सुरक्षित रहोगे। अगर कोई खतरा आए तो एक दूसरे को तुरंत चेतावनी देनी होगी। मैं हर दिन ऊंचाई पर उड़कर पूरे जंगल पर नजर रखूंगा। मैं बहुत दिनों बाद मौसी से मिलने जा रही हूँ। वे हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ खास पकाती हैं। जाओ, मौसी से मिलाओ, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में कई चालाक जानवर भी हैं। रुक जाओ चिड़िया, मैं जंगल का राजा हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता और कोई हरा भी नहीं सकता। जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, ये मेरा हुक्म है। अरे लल्लू, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो, फिर जाने दूंगा। लल्लू ने असहाय महसूस किया क्योंकि वह कुछ खाने के लिए अपने साथ नहीं लाई थी। लल्लू को कौए की इस हरकत से बहुत दुख हुआ। वह तुरंत लौटकर जंगल के राजा बाज के पास गई। उसके दिल में डर था, लेकिन न्याय की उम्मीद भी थी। बाज ने उसे चिंतित देख पूछा, लल्लू क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? महाराज, मैं अपनी मौसी के घर जा रही थी, लेकिन कौए ने रास्ता रोक लिया और मुझे धमकाने लगा। उसने मुझसे खाने की चीज मांगी जो मेरे पास नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लगा। कौए की यह हरकत ठीक नहीं है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये जंगल का कानून है कि कोई किसी को बेवजह तंग नहीं करेगा। तुमने लल्लू का रास्ता रोका और उसे परेशान किया, ये गलत है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। लल्लू, अब तुम बिना किसी डर के मौसी के घर जा सकती हो। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बताना। महाराज, आपने मेरी मदद की, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। नई उम्मीद लल्लू अब निडर होकर अपनी मौसी के घर पहुंच गई और वहां खूब मजे किए। उसने अपने दोस्तों को भी ये कहानी सुनाई कि कैसे राजा बाज ने न्याय करके उसका हौसला बढ़ाया।